मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और नगर निगम कमिश्नर के साथ बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुशासन ही प्राथमिकता, सज्जनों के लिए फूल से कोमल और दुर्जनों के लिए कठोर रहे, राजधानी प्रदेश के लिए मॉडल बने, राजधानी में नैसर्गिक सुंदरता है, इसके विकास के काम में तेजी लाए, मेट्रो के काम की समीक्षा हो और कार्य समय पर पूरा हो। सीएम ने स्वच्छता के मामले में निगरानी रखने के लिए भी कहा। सीएम चौहान ने कहा कि भोपाल में अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही अच्छी हो रही है, 15 दिन में भोपाल के विकास को लेकर प्लान प्रस्तुत करें। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि सीएम ने अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई की तारीफ की है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। इंदौर को मैं बहुत बधाई देता हूं, अद्भुत है इंदौर, लेकिन भोपाल कोशिश तो करें तो उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये 5-6 चीज़ें कर मुझे अच्छा लगा कि कार्रवाइयों के साथ साथ रोड, बाकी सब चीज़ें, बाकी व्यवस्थाएं भी हम लोग में देखिए। और एक बात केवल ध्यान में रहे कि गरीबों की रोजी रोटी की व्यवस्था हम लोग करें। अगर कहीं दिक्कत है तो वैकल्पिक व्यवस्था करें। गरीबों को हमारी कार्रवाई से कोई रोजी रोटी का संकट पैदा नहीं होना चाहिए। अपराधियों को तोड़ दो, मैं पूरे प्रदेश में कह रहा हूँ, छोड़ने नहीं किसी भी कीमत पर, तो उसका ध्यान जरूर रखें। वो गरीब आदमी की रोजी रोटी ना चली जाए। मुझे 15 दिन में बना के अब भोपाल की डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका मैं निरीक्षण करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि उसके पहले सब लाइन पे आ जाए, फिर मैं खुद रहूँगा और बाकी हमारा प्लान तैयार रहे। CMO नजर रखे, अर्बन डेवलपमेंट के साथ टाई अप कर लें, आप निर्देश दे दें, फिर बैठ के एक समन्वित योजना बन जाए। जो हमारे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, मेट्रो का प्रोजेक्ट है, जो प्रमुख प्रोजेक्ट्स हैं हमारे गरीबों के मकान के प्रोजेक्ट हैं, जिन्हें हम लोग देख के भी आए थे, वो तेजी से पूरे हों, कहीं कोई दिक्कत ना हो और सुशासन का मॉडल भोपाल बना दें। इतना ही मुझे निर्देश देना था कल के लिए। लगातार हो जाए बैठक में सीएम साहब के स्पष्ट निर्देश हैं कि भोपाल के विकास को लेके हमें सुनिश्चित करना है कि सभी जो हमारे कार्य हैं वो समय सीमा में पूर्ण हों। यदि उनमें कोई भी रुकावट आती है तो उनको इमीडिएटली टेकअप करके रिजॉल्व किया जाए, और फिर भी यदि कोई विषय रहता है तो हायर लेवल पर उसको बताते हुए किसी भी प्रकार से रिजॉल्व किया जाए। साथ ही अतिक्रमण हटाने को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो भी अच्छी हुई हैं और आगे भी इसी प्रकार की जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रहें। गलत कार्य करने वाले, शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाए, सभी के खिलाफ कार्रवाई हो ये सुनिश्चित करें, और साथ ही स्वच्छता के प्रति भी भोपाल में और ज़्यादा ध्यान दें और भोपाल को स्वच्छतम शहर बनाने की तरफ कार्य करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी विषयों पर, चाहे मिलावट का विषय हो, चाहे अतिक्रमण का विषय हो, इन सभी पे कार्रवाइयों के प्रति उन्होंने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। सर होम आइसोलेशन में जो लोग हैं वो बाहर निकलते हैं तो क्या उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जाए? बिल्कुल, जो नियम है उसके तहत जो भी होम आइसोलेशन में लोग हैं वो यदि बाहर आते हैं तो उन पर कड़ी जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है, और ये कार्रवाई हमारे द्वारा भी की भी जाए। निगरानी को लेकर क्या है कि उनकी निगरानी कैसे रखी जाएगी जो होम आइसोलेशन में अगर निकलते हैं, सरकार की विभाग की तरफ से कैसे निगरानी? देखिए, इसमें दो विषय हैं। एक तो दिन में किसी भी टाइम उन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से कॉल किया जाता है, जिसके माध्यम से चेक हो पाता है कि वे लोग अपने घर में ही हैं या नहीं। साथ ही साथ उनकी पल्स रीडिंग और उनके टेम्परेचर वगैरह के बारे में भी जानकारी ली जाती है, और इसके अलावा हम लोगों ने अलग अपने विभाग के लोगों को तैनात किया है जो जगह जगह कभी भी मौके पर पहुंच के चेक करते हैं कि वे लोग वास्तव में घर में ही हैं या अथवा कोई घर से बाहर तो नहीं निकल रहा। ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि घर से बाहर निकलता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है। और सर क्या फिर से कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे जिस तरीके से? फिर से कंटेनमेंट जोन ऑलरेडी बनाना हमारे द्वारा शुरू कर दिया गया है। आज की स्थिति में 5 कंटेनमेंट जोन शहर में बनाए जा चुके हैं, और जहां भी पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा मिलेगी वहां कंटेनमेंट जोन फर्दर बनाए जाएंगे। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।